दोस्तों, अगर आप 30 की उम्र में भी 50 के नजर आ रहे हैं, समय से पहले अगर आपके स्किन में रिंकल्स और झुर्रियां नजर आ रही है, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रेमेडी लेके आया, जिसे इस्तेमाल करने के बाद आपके स्किन में समय से पहले झुर्रियां नहीं दिखलाई देगी और आपकी स्किन ग्लोइंग और चमकदार लगेगी। तो हेलो गाइस, मैं हूं श्रुति, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल पड़ गई है, चेहरे पर शाइन नहीं है, एक्ने हो गए, पिंपल्स मार्क्स हो गए हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। एक सप्ताह अगर आप इसे लगातार इस्तेमाल कीजिएगा तो आपकी स्किन में शाइन आ जाएगी और आपकी स्किन ग्लोइंग करेगी। दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी बीटरूट का, यानी कि चुकंदर। चुकंदर दोस्तों हमारे हेल्थ के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, लेकिन ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। चुकंदर में दोस्तों एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, साथ ही साथ इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। यह हमारे स्किन में एक नेचुरली ग्लो प्रदान करता है, साथ ही साथ अगर आपके स्किन में दाग धब्बे हो गए, एक्ने हो गए, तो उसे भी वो रिड्यूस करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो हम लोगों को क्या करना है, चुकंदर को छील लेना है और इसे ग्राइंड कर लेना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। उसके बाद हम लोग को एक फ्रेश बाउल ले लेना है, जिसमें भी इस रेमेडी को तैयार करना है। आप एक फ्रेश बाउल ले लीजिए, उसके बाद एक स्ट्रेनर लेंगे और स्ट्रेनर के मदद से चुकंदर का जो जूस है हम लोग को यहाँ पे निकाल लेना। हम लोग यहाँ पे लगभग 2 चम्मच चुकंदर का जूस इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पर चुकंदर का जूस ले लिया है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल दोस्तों हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, तो हम लोग को यहाँ पे मार्केट वाला ही एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है, फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल नहीं करना है। एलोवेरा जेल दोस्तों हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अगर आपके स्किन में दाग धब्बे हो गए, पिंपल्स हो गए, अगर आपके स्किन में समय से पहले बुढ़ापा नजर आ रहा है, तो उसे वो कंट्रोल करने में हेल्प करता है और आपकी स्किन को एक नेचुरल ग्लो प्रदान करता है। तो हम लोग यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे एलोवेरा जेल ले लेना है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगी आमंड ऑयल का। आमंड ऑयल दोस्तों हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, हमारे स्किन को नरिश बनाए रखता है, आपके स्किन को अंदर से सॉफ्ट बनाए रखता है, साथ ही साथ अगर आपके स्किन में दाग धब्बे हो गए तो उसे भी वो दूर कर आपके स्किन को एक नेचुरली ग्लो देता है। तो हम लोग को यहाँ पे लगभग 1 चम्मच आमंड ऑयल का इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी टी ट्री ऑयल। जी हाँ दोस्तों, टी ट्री ऑयल हमारे स्किन में जो एक्ने हो जाते हैं, एक्ने के जो मार्क्स हो जाते हैं, पिंपल के जो मार्क्स हो जाते हैं, उसे वो दूर कर में हेल्प करता है। यह हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। पुराने से पुराने अगर आपके स्किन में दाग हो गए, तो उसे वो रिड्यूस करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो हम लोग को यहाँ पे कम से कम 3 से 4 ड्रॉप ही यहाँ पे टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करना है। आप किसी भी ब्रांड का यहाँ पे टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना, ताकि इसमें मैंने जो भी चीजें डाले वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब आप यहाँ पे इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये क्रीम बनके रेडी हो गया। नेचुरल है, कोई भी केमिकल यहाँ मैंने यूज नहीं किया। यह हमारे स्किन को एक नेचुरली ग्लो प्रदान करता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ हमें इसे अप्लाई कैसे करना है। हम लोगों को क्या करना है, पहले इसे स्टोर करके रख लेना है, कोई भी आप कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर में 1 सप्ताह के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको इसे अप्लाई करना है, आपको क्या कर लेना है, थोड़ा सा आपको अपने फिंगर में ले लेना है और अपने स्किन पे अच्छे से अप्लाई करना है और हल्के हाथों से 1 मिनट के लिए अपने फेस पे मसाज कीजिए। दोस्तों आपको दिन भर में सिर्फ 2 बार इस क्रीम को अपने फेस पे जरूर अप्लाई करना है। लगातार इस्तेमाल करने के बाद आप खुद देखिएगा, 7 दिन में आपके स्किन में खुद आपको फर्क दिखाई देगा। आप इस रेमेडी को इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल रेमेडी, आपके स्किन को एक नेचुरल ग्लो प्रदान करती है और साथ ही साथ अगर आपके स्किन में दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, समय से पहले झुर्रियां अगर आपके स्किन में दिखलाई दे रही है, तो वो भी आपके दिखलाई देना बंद हो जाएंगे। दोस्तों आशा करती हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ इसी तरह से हेल्पफुल रेमेडी के साथ, तब तक के लिए आप अपने ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए। बाय बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर।